प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के अंतर्गत ऑपरेशन ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंतर्गत लॉन्ग डिवीजन मेथड पर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, Write the quotient and the remainder when we divide x square minus 4x plus 4 by x minus 2। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यस और यस सलूशन है ये इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइड करेंगे x square माइनस 4x प्लस 4 को डिवाइड करना है, डिवाइजर है x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। क्या है ना बच्चों, x हमारा क्या हो गया, क्वाइसेंट। ठीक है, फिर इस x को जो है डिवाइजर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा ये आपका x स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर, अब x स्क्वायर माइनस 2x को डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, माइनस 4x इज ग्रेटर देन प्लस 2x, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर सम, तो बच्चों आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4। अब ये हमारा डिविडेंड बन गया, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों माइनस 2x में हम x से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 2, यानी क्वाइसेंट हमारा क्या हो गया, माइनस 2। अब इस माइनस 2 को डिवाइजर x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस 2 x माइनस 2। क्लियर, ब्रेकर के पहले बच्चों किसकी साइन है, माइनस की, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी माइनस 2x प्लस 4। इस डिविडेंड के नीचे हम लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस था तो माइनस, आ गया क्या, जीरो। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, जीरो, क्वाइसेंट। ये बच्चों आंसर हो गया, क्वाइसेंट हमारा आया है QUOTIENT, क्वाइसेंट, क्वाइसेंट हमारा आया है x माइनस 2। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। राधे, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 बाई x प्लस 2, ये इसका सलूशन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी x स्क्वायर माइनस 4 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, डिविडेंड हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 4, डिवाइजर जो है x प्लस 2 है, डिविडेंड x स्क्वायर माइनस 4 है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे बच्चों, आएगा x, यहां पर हम लिख देंगे x, और इस x का जो है x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी क्वाइसेंट का डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 क्वाइसेंट का डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 2x।
माइनस फोर को हम आगे लिख देते हैं बढ़ा करके माइनस फोर। अब देखिए अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस की साइन प्लस की साइन थी तो क्या हो गया, माइनस की साइन प्लस माइनस कैंसिल्ड आउट, ये बच्चों आया माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स माइनस फोर। अब हमारा ये डिविडेंड हुआ, डिविडेंड डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ये अगले स्टेप पे होगा बच्चों, माइनस टू एक्स यानी माइनस टू एक्स को हम यक से डिवाइड करेंगे, यक से डिवाइड करेंगे कितना आया माइनस टू। अब इस माइनस टू का यानी माइनस टू हमारा क्वाइसेंट आया, क्या आया क्वाइसेंट, और इस क्वाइसेंट का डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस टू क्वाइसेंट का माइनस क्वाइसेंट टू का डिवाइजर यक्स प्लस टू के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू यक्स माइनस फोर, यहां पर लिख देंगे माइनस टू यक्स माइनस फोर, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस था तो प्लस में हो गया, प्लस था तो क्या हो, माइनस था तो क्या हो गया बच्चों प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्वाइसेंट आंसर आ जाएगा, आंसर क्वाइसेंट क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वाइसेंट हमारा बच्चों कितना आया है यक्स माइनस टू, ये आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए बिठा दे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री, बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव बाई एक्स प्लस सेवन से क्या करना है डिवाइड करना है, ये इसका सलूशन होगा, एक क्वेश्चन था बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सलूशन यानी हमारा डिविडेंड, डिविडेंड है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव और डिवाइजर, डिवाइजर है डिवीजर यानी एक्स प्लस सेवन। आप देखिए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यहाँ बच्चों रफ में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे क्या आया एक्स, क्वाइसेंट हमारा कितना आ गया एक्स, ठीक है। अब इस क्वाइसेंट का, इस क्वाइसेंट से डिवाइजर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे डिवीजर, उसको डिवीजर बोलते हैं, यक्स यक्स प्लस सेवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा यक्स स्क्वायर प्लस सेवन यक्स, क्लियर, यहां पर लिख दिया हमने यक्स स्क्वायर प्लस सेवन यक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस प्लस था तो माइनस, अब प्लस माइनस कैंसिल आउट, अब यहाँ पर 12x इज ग्रेटर देन माइनस 7x, वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव बिफोर द रिजल्ट, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 5x प्लस ये 35 है, कितना है 35। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डिविडेंड हो गया, इस डिविडेंड में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे 5x, 5x बाई x, तो हम ये बता रहे थे डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइडर सॉरी डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो 5 आया, 5 हमारा क्या हो गया क्वाइसेंट, क्या हुआ 5 क्वाइसेंट हुआ, 5 क्वाइसेंट से हम डिवाइजर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 और ये x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 5x, 5x प्लस 25, 5x प्लस 25, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड के नीचे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5x प्लस, प्रिय बच्चों यहाँ पर भूल बस हमने 25 लिख दिया, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x प्लस 5 है, अच्छा x प्लस 7 है, x प्लस 7 में जो है जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों 35, क्या आएगा 35, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 5x प्लस 35,
5x + 35, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमें सबट्रैक्स करना है। जब साइन चेंज करेंगे बच्चों, यहाँ पर पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वाइसेंट आंसर आया, क्वाइसेंट यानी QUOTIENT, क्वाइसेंट हमारा आया क्या, x + 5। क्वाइसेंट क्या आया बच्चों, x + 5। नोट कीजिए, बच्चों मिटा दे। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो क्वाइसेंट का फर्स्ट टर्म फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 है आपका गिवन है, 15x² + x - 6 y है 3x + 2, यानी 3x + 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा डिविडेंड है और ये डिविजर है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। ये सलूशन होगा, सलूशन डिविडेंड पहले लिखेंगे, डिविडेंड है 15x² + x - 6 में डिवाइजर 3x + 2, यानी डिवीजर या 3x + 2 से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 15x², यहाँ पर हम 15x² ऐसे लिख लेंगे। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, 3x, तो 3x से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। जब 3x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5x, ठीक है। 3, 5 = 15x² कट जाएगा, 5x आएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्वाइसेंट, क्या हो गया, क्वाइसेंट हमारा 5x आया। अब 5x का डिवीजर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजर है हमारा 5x, डिवीजर है बच्चों क्या, 3x + 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 = 15 x² + 5 × 2 = 10x, यहाँ पर डिविडेंड के नीचे लिखेंगे 15x² + 10x। अब इसको बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस प्लस है तो माइनस है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये -10x है और ये x है तो -10x में से x निकल जाएगा तो यहाँ पर आएगा बच्चों -9x, क्योंकि ये 10x ग्रेटर टर्म है। फिर एट इट इज -6 को हम लिख लेंगे। अब ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, -9x में बच्चों 3x से डिवाइड करेंगे तो क्वाइसेंट हमारा निकल करके आएगा -3, ठीक है। यहाँ पर -3 हम लिख देंगे। अब -3 का मल्टीप्लाई डिवाइजर के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे -3 3x + 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = -9x 3 × 2 = -6, क्योंकि ब्रेकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ये बच्चों आएगा 9x - 6। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस की साइन है तो प्लस, यहाँ पर माइनस की साइन है तो प्लस, सबट्रैक्ट करने पर ये बच्चों जीरो आ जाएगा। आंसर आया क्वाइसेंट, आंसर क्वाइसेंट QUOTIENT क्वाइसेंट हमारा कितना आया,
यहाँ पे दे रहा है 5x माइनस 3, इसको नोट कीजिए, बिठा दे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही सरलता है, केवल आपको ये ध्यान रखना है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो क्वाइसेंट का फर्स्ट टर्म आसानी से निकल आता है। क्लियर? यस सर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखेंगे प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। हमारा पॉलिनोमियल्स गिवन है 14x² - 16x + 25 / 7x - 9। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर ये हमारा क्या है बच्चों, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर हम बच्चों लिख देंगे 14x² - 53x + 45, इसको डिवाइड करना है 7x - 9। 7x - 9 हमारा क्या है, डिवाइजर है, डिवीजर है, और 14x² क्या है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, 14x² डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है और 7x डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पर क्वाइसेंट का फर्स्ट टर्म मिलता है। 14x² में 7x से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आएगा 2x, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे 2x हमारा क्या हो गया, क्वाइसेंट। क्लियर? यस सर। अब क्वाइसेंट का मल्टीप्लाई डिवीजर के साथ करेंगे, डिवीजर यानी 7x - 9 के साथ, तो 2x 7x - 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 14x² और 9 × 2 = 18x। ठीक है, इसे डिविडेंड के नीचे लिखेंगे 14x² - 18x, इसके ब्लू हमने लिख दिया, ये माइनस की साइन, यहाँ पर माइनस था तो क्या हो गया बच्चों प्लस, अब ये कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पर क्या है, -53x है, -53x इज ग्रेटर देन, -53x टर्म इज ग्रेटर देन +18x टर्म, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर द रिजल्ट। 53x में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 35। क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 35x, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 35x प्लस 45, इसको ऐड इट इज लिख लेंगे। क्लियर? यस सर। अब ये हमारा डिविडेंड बन गया, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर यानी डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, 7 - 5 = -5 आ गया, क्वेश्चन कितना आया बच्चों, -5। अब -5 का डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो -5 का 7x -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 7 - 5 = माइनस का 35x -, क्या हो जाएंगे प्लस, 9 × 5 = 45 प्लस का 45। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों -35x + 45। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे क्वाइसेंट QUOTIENT, क्वाइसेंट आया बच्चों, निकल करके
2x माइनस फाइव ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 6, यानी हमारा पॉलीनोमियल गिवन है 6x² - 13x + 47y, पॉलीनोमियल 2x - 5, यानी ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां पर कहेंगे 6x² - 13x + 47, इसको डिवाइड करेंगे 2x - 5 से। ठीक है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 6x² में, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म 2x से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 6x² में हम 2x से डिवाइड करेंगे, ये बच्चों आएगा 3x, 3x हमारा फर्स्ट क्वाइसेंट हुआ, 3x क्या हुआ, फर्स्ट क्वाइसेंट। ठीक है, 3x फर्स्ट क्वाइसेंट। अब 3x जो आया फर्स्ट क्वाइसेंट, इसका जो है डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 5। प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, 3x का मल्टीप्लाई हम डिविजर के साथ करेंगे तो आएगा 3 2 9x² 6, अच्छा 3 2 6, 3 2 6x² 3 5 15x। ठीक है, यानी यहां पर लिखेंगे बच्चों डिविडेंड के नीचे 6x² - 15x। अब इसको बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस की साइन है, ये माइनस प्लस की साइन, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे -31x > -15x, वी अप्लाई द साइन बिफोर रिजल्ट, माइनस माइनस आ गया, इसमें सबट्रैक्ट करो कितना आएगा 16x, यानी 16x आया और ये 47 एट इट इज लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा डिविडेंड हो गया, क्या हो गया डिविडेंड, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। यहां पर देखो बच्चों -16x में 2x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 आया क्वाइसेंट हमारा क्या आया बच्चों -8। ठीक है, अब -8 क्वाइसेंट से डिविजर 2x - 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8, फिर यहां पर 2x - 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16x, माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी, 8 5 40, क्लियर। तो अब यहाँ पे डिविडेंड के नीचे हम ये लिखेंगे माइनस का 16x प्लस का 40, है ना, प्लस का 40। अब इसको बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो अब क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट, 47 इज ग्रेटर देन -40, वी अप्लाई द साइन बिफोर सम पॉजिटिव, यहां पर बच्चों आया +7। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा क्वाइसेंट QUOTIENT, क्वाइसेंट आया आपका क्या आया 3x - 8, रिमाइंडर कितना आया R E M A I N D E R, रिमाइंडर आया बच्चों आपका प्लस का
श्रीमान, इसको नोट कीजिए। बिठा दे, यस। क्वेश्चन नंबर 7, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2x³ + x² - 5x - 2, यानी ये एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल 2x + 3 से। ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड, और ये डिवीजर। डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करेंगे, ये सलूशन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे 2x³ + x² - 5x, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, x के पावर में, ठीक है। ये लिखेंगे बच्चों 2x + 3, ये हमारा डिविडेंड है। क्या है डिविडेंड? डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x³ / 2x, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वाइसेंट हमारा x², तो क्वाइसेंट x² आ गया। अब इस क्वाइसेंट का जो है डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x² का मल्टीप्लाई डिवीजर 2x + 3, डिवीजर 2x + 3 के साथ करेंगे बच्चों, यह आएगा 2x³ + 3x² इसे हम डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, डिविडेंड के ब्लो राइट कर देंगे, ठीक है। 2x³ + 3x² ये बच्चों माइनस, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, अब ये कैंसिल्ड आउट। प्रिय बच्चों यहाँ पर क्या है, ये -3x² अब समझा जाएगा, -3x² इज ग्रेटर देन +x² वी अप्लाई द साइन बिफोर रिजल्ट माइनस, ये हो गया बच्चों -2x², ठीक है। और यहाँ पर एट इज हम लिख लेंगे -5x - 2, क्लियर। अब ये डिविडेंड हो गया, क्या हो गया? डिविडेंड, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, क्लियर। ये आया -2x² -2x² में 2x से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, x² में x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -x, क्वाइसेंट हमारा क्या हो गया -x, क्लियर। अब क्वाइसेंट जो -x आया हुआ है, इस क्वाइसेंट से डिवाइजर डिवीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये यहां पर -x डिवीजर है 2x + 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x² ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा -3x, क्लियर। फिर यहां पर लिखेंगे बच्चों इसको एट इट इज डिविडेंड, डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, ये आएगा -2x² माइनस का 3x। अब इसको इसके बाद बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर ये माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए ये +2x² है और ये -2x² है, साइन बच्चों क्या हो गया? अपोजिट हो गया और टर्म जो है इक्वल हो गए, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, -5x इज ग्रेटर देन +3x, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर द रिजल्ट, यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे -2x, क्या आएगा -2x -2, ठीक, इतना क्लियर। तो हमारा ये डिविडेंड है, क्या है ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर -2x दिखाई पड़ रहा है, -2x में हम 2x से डिवाइड कर देंगे,
क्या आया माइनस वन, ठीक है माइनस वन एट इट इज क्वाइसेंट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस वन का मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस थ्री के साथ करेंगे, डिवाइजर डिवीजर टू एक्स प्लस थ्री के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करके दिखा देते हैं, माइनस वन का मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस थ्री के साथ दिखाई पड़ रहा है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस टू एक्स, माइनस की साइन है अंदर की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चों आया माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री, क्लियर। ठीक, अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस की साइन है, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो पॉलीनोमियल सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ये प्लस में ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस में, अब ये प्लस टू एक्स कंसीडर किया जाएगा और ये माइनस टू एक्स है, टू एक्स टर्म प्लस टू एक्स टर्म ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, अब प्लस थ्री में से माइनस टू निकल जाएगा तो क्या आएगा बच्चों माइनस प्लस का वन, ठीक है। आपका क्वाइसेंट ये आंसर हो गया, क्वाइसेंट कितना आया क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वाइसेंट क्वाइसेंट आया है आपको बच्चा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन रिमाइंडर आर ई ए एम आर ई ए आर ई एम आर ई एम ए आई एन डी ई आर रिमाइंडर कितना है बच्चों प्लस वन, क्लियर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। हमने इस चैप्टर्स को कंप्लीटली हर एक तरीके से सॉल्व किया है। आने वाला चैप्टर फैक्टराइजेशंस पर आधारित होगा, उसके एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।